आज का ये रेसिपी वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी। आलू गोभी मटर की इस मज़ेदार सब्जी के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाया है। एक चम्मच तेल डालकर हम इसे गर्म होने देंगे। फिर दो मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डालकर हम इसे कुछ सेकेंड के लिए भूनेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च। लहसुन और प्याज का कच्चापन निकल जाए इतना ही हम इसे भूनेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ अदरक और 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। अब इसे हम टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, तो थोड़ा नमक डाल देते हैं जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनने से लहसुन प्याज का कच्चापन निकल चुका है, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो हम गैस को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने पर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने गैस पर दूसरी कढ़ाई को चढ़ा लिया है। 2 चम्मच तेल डालकर हम इसे गर्म होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे फूल गोभी, नॉर्मल साइज में कटा हुआ 1/2 kg फूल गोभी है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुछ मिनट के लिए भूनेंगे। जब ये हल्का सा गोल्डन होने लगे तब फांकों में कटा हुआ आलू भी इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब दोनों चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं, दोनों का कलर चेंज हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर उसी कढ़ाई में 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म होते ही 1/4 चम्मच जीरा, जीरा को हम थोड़ा चटकने देंगे। फिर इसमें डालेंगे लहसुन प्याज और टमाटर का पेस्ट जिसे हमने भूनकर बनाया था, नमक स्वाद के अनुसार और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर 1/2 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिक्स मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर। मसाले जब अच्छे से भून जाए और इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे तब हम इसमें मटर डाल देंगे और साथ ही टमाटर भी। इन सबको हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं और हमने जो आलू और गोभी को भून करके रखा था उसे भी इसमें डालकर अच्छे से मिला लेंगे। कवर करके हम इसे उबाल आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। फिर गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। 5 मिनट के बाद एक बार हम देख लेते हैं, सब्जी तो हमारा पक गया है लेकिन अभी इसमें रस है, तो रस के सूख जाने तक हम इसे फुल फ्लेम पर धनिया पत्ता डालकर पकाएंगे। फिर इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमारा गर्मा गर्म सब्जी तैयार है सर्व करने के लिए, पूरी के साथ, रोटी के साथ या फिर दाल चावल के साथ। आप इसे एक बार ट्राई कीजिए और अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए।